देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए टीवी 9 भारतवर्ष। कोरोना का गॉडफादर चीन और कोरोना का सबसे बड़ा विक्टिम अमेरिका। कब इन दोनों मुल्कों में जंग के शोले भड़क जाएं कोई नहीं जानता। अमेरिका अपनी ताकत के दम पर चीन को सबक सिखाने की हसरत पाले बैठा है, तो वहीं चीन अमेरिका को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन ओलंपस में जुट गया है। क्या है ड्रैगन का यह प्लान, और अगर चीन का यह मिशन कामयाब हो गया तो क्या चीन सुपर पावर बन जाएगा? खुद देखें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेहिसाब ताकत और बेपनाह परमाणु जखीरे वाला वो देश जो अगर चाह ले तो अपने दुश्मनों का समूल नाश करके दम लेता है। समंदर में मगरमच्छ से बैर कर लो, लेकिन अमेरिका से नहीं। अमेरिका की नेवी बारूद घोलकर समंदर का मिजाज बदलने की ताकत रखती है, और समंदर में अगर किसी ने ट्रंप के सैनिकों को छेड़ा तो दुश्मन जमीन से कई सौ फीट नीचे दफन होता है। जमीन पर अमेरिका की जाबाजी को आजमाने की भूल कोई नहीं कर सकता। रॉकेट, मिसाइल और असॉल्ट राइफल का कभी न खत्म होने वाला ऐसा भंडार है जिसका मुकाबला करने की ताकत दूर दूर तक नहीं दिखती। और आसमान में अमेरिका के बादशाहत के बारे में कुछ भी कहना उसकी शान में गुस्ताखी है। अमेरिका के जंगी लड़ाकों में पूरी दुनिया को तबाह करने की कुवत है, यानी अमेरिकी से तेज, अमेरिका से खतरनाक और अमेरिका से विध्वंसक इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। हमने आपको अमेरिका की ताकत का एहसास सिर्फ इसलिए करवाया है क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी एक वायरस के आगे सरेंडर मोड में है, और अमेरिका अब वायरस विलेन चीन के खिलाफ आखिरी वार करने की रणनीति बना रहा है। बीजिंग में अमेरिका के आक्रामक तेवर को देखकर काफी हलचल है। चीन के थिंक टैंक्स ने अपनी सबसे ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अगर चीन को अमेरिका को युद्ध में हराना है तो उसे कम से कम 1000 परमाणु बम चाहिए होंगे, और इसके बाद चीन अमेरिका को हराने के लिए ऑपरेशन ओलंपस में जुट चुका है। चीनी थिंक टैंक के मुताबिक 1000 परमाणु बमों के अलावा चीन को कम से कम 100 DF-41 मिसाइल चाहिए। DF-41 चीन की सबसे अत्याधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि यह अमेरिका के किसी भी हिस्से में अटैक कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक, और ये अपने साथ 6 से 10 वॉरहेड लेकर जा सकती है। चीन की चिंता से एक बात तो साफ है, और वो ये कि चीन खुद भी जानता है कि अमेरिका उससे हर जंगी मोर्चे पर आगे, इसलिए अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए ड्रैगन ऑपरेशन ओलंपस में जुट गया। जिनपिंग के साइंटिस्ट 1000 परमाणु बम बनाने वाले प्रोजेक्ट को बेहद जरूरी मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन ओलंपस के जरिए चीन सुपर पावर को चौंका सकता है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका और चीन की मौजूदा ताकत कैसी है। सबसे पहले बात एटम बम। दुनिया भर की सैन्य ताकत पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका के पास 6,185 एटम बम है, जबकि चीन के पास सिर्फ 290 परमाणु बम है। अमेरिका के पास 2,085 लड़ाकू विमान, जबकि चीन के पास 1,232। अमेरिका के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर 967 और चीन के पास 281। अब बात टैंकों की। अमेरिका के पास टैंक 6,289 है, जबकि चीन के पास 3,500 टैंक। समंदर में अमेरिका के बाद शहद और भारी है। अमेरिका के पास 715 वॉरशिप, जबकि चीन के पास 371। आंकड़े चीन पर अमेरिका के दबदबे की कहानी कहते हैं, और हकीकत भी यही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध हो जाए तो अमेरिका मात्र 10 दिनों में चीन को हरा सकता है। अभी तक चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर थी, लेकिन कोरोना इन दोनों की अदावत बाजार से बारूद तक पहुंचा दी। साउथ चाइना सी में दोनों एक दूसरे को ललकार रहे। ट्रंप ने पहले ही ये कहकर सनसनी फैला दी है कि चीन को वायरस पाप का अंजाम भुगतना होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की धमकी सुनकर चीन सहमा हुआ है, और इसीलिए अब उसे अमेरिका के खिलाफ खुद को बचाने की फिक्र हो रही है। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।